दोस्तों हमारे सनातन संस्कृति के सभी रीति रिवाज व्रत त्योहार और परंपराओं का खास कारण या उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम इस रीति रिवाज या परंपरा का क्या उद्देश्य है उसे नहीं जानते हैं, तब हमें ये परंपरा अंधविश्वास या बिना मतलब की एक धार्मिक विधि लगती है। और जिस तरह सनातन संस्कृति में पहने जाने वाले मंगलसूत्र के बारे में भी हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। इंटरनेट और यूट्यूब पर भी मंगलसूत्र के बारे में सही जानकारी कदाचित ही आपको मिलेगी। मंगलसूत्र क्या है? मंगलसूत्र को किसने और क्यों बनवाया? मंगलसूत्र को महिला ही क्यों पहनती है? पुरुष मंगलसूत्र को क्यों नहीं पहनते हैं? क्या मंगलसूत्र को नहीं पहनने से या टूट जाने से पति की मृत्यु हो जाती है? कौन सा मंगलसूत्र गलत होता है जिसके पहनने से आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आज की इस प्रस्तुति में आप मंगलसूत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस प्रस्तुति को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य का प्रतीक है और इसे महिलाएं विवाह के बाद पहनती हैं। विवाहित महिलाएं के लिए मंगलसूत्र को सभी आभूषणों में महत्वपूर्ण माना गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनने की परंपरा हमारे समाज में आई कहां से और इसे क्यों बनाया गया था। तो जब कोई कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो उसको विवाह के बाद ससुराल जाना पड़ता है। विवाह से पहले वह कन्या खेलना कूदना और बचपन के सभी आनंद को प्राप्त करती है, लेकिन विवाह के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। विवाह के बाद वह कन्या एक कन्या न रहकर एक औरत बन जाती है। ससुराल आने के बाद उस औरत को कई सारी जिम्मेदारियों का पूरा करना पड़ता है। खाना पकाने से लेकर घर के सभी काम करना, ससुर की सेवा से लेकर देवर देवरानी जेठानी जेठ और ननद के साथ सामंजस्य रखना, बच्चों के जन्म देने से लेकर बच्चों की परवरिश करना, पति की छोटी छोटी जरूरतों से लेकर पति को खुश रखना, कई सारे रीति रिवाजों से लेकर परंपराओं को निभाना, इसके साथ साथ छोटे मोटे काम करके परिवार को आर्थिक सपोर्ट देना, ऐसी अनगिनत जिम्मेदारियों और कामों को पूरा करने के लिए उस विवाहित महिला को बहुत सारा जोश एनर्जी स्टैमिना चाहिए। तो विवाहित महिलाओं की इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? क्या उसे कोई मंत्र दिया जाए या कोई जड़ी बूटी खिला दी जाए जिससे उस औरत में जो स्टैमिना और एनर्जी बनी रहे और वह महिला आगे बताई गई सभी सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। और किसी समस्या पर जब हमारे वैदिक ऋषि मुनि और ज्योतिष विज्ञान के आचार्यों ने संशोधन किया तो उन्होंने पाया कि महिलाओं में जोश उत्साह स्टैमिना और एनर्जी एक ही ग्रह बढ़ा सकता है और वह है मंगल ग्रह। और ये मंगल ग्रह महिलाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम आपको मंगल ग्रह के उन तथ्यों को बताते हैं जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। नंबर एक, मंगल ग्रह का लाल रंग होता है और यह ग्रह शरीर में रक्त को दर्शाता है और पुरुष के मुकाबले महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है और रक्त की कमी की एक बीमारी एनीमिया महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है और मंगल ग्रह की मदद से रक्त की कमी में सुधार किया जा सकता है। नंबर दो, मंगल ग्रह जोश ऊर्जा साहस सहनशीलता और शक्ति का कारक ग्रह माना गया है और महिलाओं में पुरुष के मुकाबले शारीरिक तौर पर इनमें कमी पाई जाती है और इस कमी को मंगल ग्रह पूरा कर सकता है। नंबर तीन, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सभी ग्रह हमारे कोई न कोई रिश्तेदार से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सूर्य पिता दाऊ और पूर्वज को दर्शाता है, चंद्रमा माता और मौसी को, बहन को, बुआ को, बेटी को, साली को और ननिहाल पक्ष को, गुरु पिता दादा गुरु देवता को, शुक्र पत्नी स्त्री को, शनि काका मामा सेवक और नौकर को, राहु साला और ससुर को। हालांकि राहु को दादा का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। केतु संतान और बच्चों को दर्शाता है, हालांकि केतु को नाना का प्रतिनिधि माना जाता है और मंगल ग्रह स्त्री की कुंडली में पति को दर्शाता है और पुरुष की कुंडली में अपने मित्र और भाई को दर्शाता है। साथ में गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं। नंबर चार, मंगल ग्रह का लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और किसी भी लाल रंग का गुलाब और लाल हृदय का चिन्ह प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पति के साथ प्रेम को बढ़ाने में मंगल ग्रह सहायता कर सकता है। नंबर पाँच, मंगल ग्रह स्त्री के प्रजनन क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। स्त्री के मासिक धर्म का कारक भी मंगल ग्रह ही है और हमारे शरीर में आए हुए पहले चक्र मूलाधार का रंग भी मंगल का लाल रंग है। स्त्री की प्रजनन क्षमता को मंगल ग्रह से बढ़ाया जा सकता है। नंबर छह, स्त्री के जीवन में मंगल ग्रह पति का कारक होने के कारण मंगल ग्रह से पति पत्नी के संबंध में माधुरी लाया जा सकता है। पति के आयुष को और स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। पति के साथ मन मुटाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार के मंगल ग्रह की अनगिनत असुरों की महिलाओं के जीवन में देखी जा सकती है और मंगल ग्रह की महिलाओं के जीवन पर ऐसे प्रभावों के कारण हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की रचना की,
दोस्तों अब समझते हैं मंगलसूत्र का क्या मतलब होता है। मंगलसूत्र शब्द दो शब्दों से बना है, मंगल और सूत्र। मंगल का अर्थ होता है मंगल ग्रह और सूत्र का अर्थ होता है धागा। और मंगलसूत्र का मतलब होता है मंगल ग्रह का धागा जो लाल रंग का होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है? और आप मंगलसूत्र को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक सोने का पेंडेंट होता है और लाल रंग के मोती होते हैं। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि मंगलसूत्र में तो लाल नहीं बल्कि काले मोती होते हैं। अगर मंगलसूत्र में लाल मोती की बजाय काले मोती हैं तो वह मंगलसूत्र मंगलसूत्र ना रहकर शनि सूत्र बन जाता है, क्योंकि सभी काले रंग को दर्शाते हैं और जिसे नजर दोष के लिए पहना जाता है। अब आप कहेंगे कि मंगलसूत्र ग्रह को दर्शाता है तो वह पूरा लाल होना चाहिए, इसमें सोने का पीले रंग का पेंडेंट क्यों होता है? तो कई ज्योतिष वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह के साथ साथ गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं और सोना गुरु ग्रह से संबंधित है। मंगलसूत्र की डोरी या एक भी मोती काले रंग का नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि हम इतने सक्षम नहीं है कि सोने के पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहन सके, तो वह लोग पीले धागे में लाल मोतियों को पिरो करके पहन सकते हैं, जो होगा असली मंगलसूत्र। कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि हम ज्योतिष विज्ञान और ग्रहों में नहीं मानते हैं और 21वीं सदी में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो भले ही हम 21वीं सदी में हो या 51वीं सदी में, ज्योतिष विज्ञान और वैदिक परंपराओं का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। ज्योतिष और ग्रहों में नहीं मानने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि आप रंगों का मानव जीवन पर कितना प्रभाव है और कलर थेरेपी से कई रोग ठीक किए जा सकते हैं, इस बात को तो मानेंगे ही। और मंगल का लाल ग्रह हमारे जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, शारीरिक ऊर्जा, सहन शक्ति, सहजता, स्थिरता, जुनून में वृद्धि करता है। और इस तरह के शोध पत्रों से हमारे इंटरनेट खराब पड़ा हुआ है। अब हम आज के जमाने की बात करें तो आज के फैशन के जमाने में मंगलसूत्र ना रहकर शनि सूत्र बन चुका है, क्योंकि आज के मंगलसूत्र में लाल की जगह काले मोती देखने को मिलते हैं। और ऐसा मंगलसूत्र पहनने से मंगलसूत्र बनाने और पहनने का जो मूल उद्देश्य था वह मारा जाता है। पुरानी परंपराओं में मानने वाले लोग आज भी लाल मंगलसूत्र को ही पहनते हैं और ऐसे काले मंगलसूत्र को पहनने से क्या होता है, इस पर भी एक दृष्टिपात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो चोर डाकू होते थे वह लोग काले रंग के कपड़े खास तौर पर पहनते थे और माथे पर तिलक भी काले रंग का ही लगाते थे और गले में ताबीज भी काले रंग का ही पहनते थे, क्योंकि चोरी और डकैती करने के लिए आप में बहुत ज्यादा चालाकी, विश्वासघात, धोखा, छल जैसे गुण होने चाहिए। और शनि ग्रह का काला रंग इन गुणों को और दुर्गुणों को आपके अंदर बढ़ोतरी करता है। लेकिन आज के फैशन के जमाने में काला रंग हम सबका कितना पसंदीदा बन चुका है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हो। हमारे इस बात से सभी बड़े बुजुर्ग लोग जरूर सहमत होंगे कि पहले के जमाने में विवाह के समय काले रंग को सख्त वर्जित मानते थे और ऐसे काले मोती वाले मंगलसूत्र या कहें कि शनि सूत्र को धारण करने से आप में भी शनि के गुण पनप सकते हैं। और आज के युग में मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जिसे हम देख सकते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं मंगलसूत्र बनाने के पीछे हमारे वैदिक ऋषि मुनियों और ज्योतिष आचार्यों का उद्देश्य। मंगलसूत्र बनाने का उद्देश्य ये था कि एक विवाहित महिला के जीवन में जो उत्साह, सहन शक्ति और आत्मविश्वास बना रहे और वह सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। दूसरा उद्देश्य था पति के साथ वैवाहिक जीवन को मधुर बनाना, उसका पति उसको मान सम्मान दे और प्यार करे और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तीसरा उद्देश्य ये था कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता अच्छी हो और बहुत उत्तम संतान को जन्म दे सके। चौथा उद्देश्य ये था कि महिलाओं में रक्त संबंधी बीमारियां ना हो और मासिक धर्म संबंधी दिक्कतें पैदा ना हो। हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने विवाहित महिलाओं को सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं दिया है, साथ में ये भी बताया है कि वैवाहित महिलाएं मंगल ग्रह की अन्य चीजें अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ियां, लाल विवाह का जोड़ा इत्यादि, जिससे महिलाओं को मंगल ग्रह की शुभ एनर्जी प्राप्त हो सके। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि महिलाएं वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए मंगलसूत्र और लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण करती है, तो पुरुष मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हैं, या पुरुषों का वैवाहिक जीवन सफल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? तो जिस तरह से महिलाओं के लिए मंगल ग्रह अपने पति का और दाम्पत्य जीवन का कारक है, लेकिन पुरुषों के लिए मंगल ग्रह अपनी पत्नी का कारक नहीं है। पुरुषों की कुंडली में मंगल ग्रह उसके भाई और मित्र को दर्शाता है। जो पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनको अपनी पत्नी और वैवाहिक जीवन को दर्शाने वाले ग्रह की चीजों को धारण करना होगा। और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह पत्नी का कारक माना गया है,
और हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषों को एक सूत्र दिया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जहां पूजा का अर्थ मान सम्मान और आदर देना है, पुरुषों को कहा गया है कि वह अपने शुक्र ग्रह को शुभ बनाए रखने के लिए महिलाओं का सम्मान करे, अनैतिक संबंध ना बनाए, अपनी पत्नी की सभी जरूरतों को पूरा करे, उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करे और उसको खुश रखने का प्रयत्न करे। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह अपनी पत्नी से संबंधित तो है, साथ में धन वैभव और सुख सम्मान को भी दर्शाता है। पुरुषों का मंगल ग्रह का लाल रंग तभी काम आता है जब युद्ध में जा रहे हो। प्राचीन काल में युद्ध में जा रहे पुरुष मंगल ग्रह का प्रतीक रक्त से तिलक करते थे और लाल सिंदूरी वस्त्र धारण करते थे, जिससे उनका मंगल ग्रह का प्रभाव, शौर्य, पराक्रम, आत्मविश्वास बढ़ जाए और वह युद्ध जीत कर आए। प्रिय मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय सनातन संस्कृति अवश्य ही लिखें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।